हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग अवर सेशंस। आज का हमारा जो सेशन है, हमारा लेक्चर जो है, वो बेस्ड रहेगा स्टेट सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट के ऊपर। आई होप आपको स्टेट गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, हम उनको अपने डाउट सेशन के अंदर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इग्नू के लेक्चर्स अवेलेबल है। सेकेंड ERC की रिपोर्ट हम जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, ताकि आप जितनी भी नई अपडेट आती हैं वो उन आपको फटाफट मिल सके। राइट, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं हम अपना आज का लेक्चर, दैट इज स्टेट सेक्रेटेरिएट। समझिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा, गवर्नर के बारे में पढ़ा है, CM के बारे में पढ़ा, और अब हम बात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम बात कर चुके हैं। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एट द स्टेट लेवल बीइंग अ बॉडी ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म द डिटेल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देमसेल्फ। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर कौन आते हैं, सारे के सारे MLAs आते हैं स्टेट लेवल पे, राइट, और वो क्या होते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो डिटेल में जाकर के सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को संभाल लेंगे। उनको क्या चाहिए, दे नीड द एडवाइस ऑफ प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटर इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंक्शन। उनको प्रोफेशनल्स की एडवाइस की ज़रूरत पड़ती है, और ये जो एडवाइस है वो कौन देता है उनको, वो एडवाइस दी जाती है सर्टेन ऑफिसर्स, दैट इज नोन एज द सेक्रेटेरिएट, राइट। दिस एडवाइस इज टेंडर्ड टू देम बाई अ बॉडी ऑफ ऑफिसर्स नोन एज द सेक्रेटेरिएट। The executive function of the state government are divided between different department. आपको पता होगा कि जितने भी executive functions है government के, वो अलग अलग ministries, अलग अलग department के अंदर बांटे हुए हैं। ठीक है, हर एक department में बहुत सारे department हो सकते हैं, हर एक ministry के अंदर बहुत सारे department हो सकते हैं, और हर एक को एक ministry के अंडर रखा जाता है। Minister जो होता है वो एक ministry का political head होता है। To tender advice to him there is the administrative department head by the secretary. मिनिस्टर क्या होता है, पॉलिटिकल हेड होता है, और उसको एडवाइस देने के लिए एक सेक्रेटरी होता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है। यहाँ तक कोई डाउट हो, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन है, उनको सर्टेन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के अंदर बांट दिया गया है। हर एक मिनिस्ट्री के दो हेड होते हैं, एक होते हैं पॉलिटिकल हेड और एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड जो होता है वो होता है मिनिस्टर, ठीक है, और एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है सेक्रेटरी। फाइन, मिनिस्टर को एडवाइस देने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी। ऑल्दो ईच डिपार्टमेंट और ग्रुप ऑफ डिपार्टमेंट हैज ए सेक्रेटरी हु इज कॉल्ड द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट एंड नॉट द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट और नॉट नेसेसरी नॉट द सेक्रेटरी टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर। ठीक है, इसमें क्या है कि जो कोई सेक्रेटरी है वो स्टेट गवर्नमेंट का सेक्रेटरी है, न कि किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल मिनिस्ट्री का। ठीक है, फर्दर बात करते हैं, जो ये टर्म है सेक्रेटेरिएट, इट इज़ यूज्ड टू रेफर टू द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिपार्टमेंट हुज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स आर सेक्रेटरी एंड पॉलिटिकल हेड आर द मिनिस्टर्स। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, उन सबका एक जगह अड्डा बना दिया, समझिए उस चीज़ को। ठीक है, एक जगह वो बैठ करके काम करें, मान लीजिए एक जगह बैठ करके वो काम करें, वहाँ पर मिनिस्टर्स भी हैं, वहाँ पर सेक्रेटरीज भी हैं। एक ऑफिस के अंदर अगर वो काम कर रहे हैं तो उस पूरी बिल्डिंग को या पूरे ऑफिस को क्या नाम दे दिया गया है, इन्होंने सेक्रेटेरिएट बोल दिया गया है, राइट। तो इसको अगर हम अपने टेक्निकल लैंग्वेज में समझे, अपनी लैंग्वेज में समझे, तो इट इज़ द कॉम्प्लेक्स ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उनका एक हब है, एक कॉम्प्लेक्स है, जिसके हेड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो हैं वो सेक्रेटरीज हैं, और जिनके पॉलिटिकल हेड जो हैं वो मिनिस्ट्रीज हैं। फाइन, द सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट। सारे डिपार्टमेंट उनसे अटैच नहीं होते हैं। सम ऑफ द सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट आर एंगेज्ड इन एडवाइजरी एंड कंट्रोलिंग फंक्शन एंड डू नॉट देयरफॉर हैव एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट रिपोर्टिंग टू देम। क्या होता है कि कुछ जो डिपार्टमेंट होता है सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी और कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए होता है, इसलिए उनका कोई पर्टिकुलर एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट नहीं होता है जो उनको रिपोर्ट कर सके। फाइन, जनरली अगर आप देखें तो जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है वो स्पेशलिस्ट होता है, और सेक्रेटरी जो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हु सुपरवाइज हिज वर्क इज द जर्नलिस्ट सिविल सर्वेंट नॉर्मली ए सीनियर मेंबर ऑफ द IAS। आपको जो सेक्रेटरी मिलेगा मोस्ट ऑफ केसेस के अंदर IAS का मेंबर ही मिलेगा, यानी कि सिविल सर्वेंट ही मिलेगा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिविल सर्विस से जुड़ा हुआ पर्सन ही मिलेगा। ऑर्गेनाइजेशन को अगर आप समझे तो सेक्रेटेरिएट का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। द ऑफिसर्स इन सेक्रेटेरिएट डिपार्टमेंट आर ग्रुप्ड इनटू वेरियस कैटेगरी, जैसे सेक्रेटरी, स्पेशल और एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी एक्सेट्रा। ये है, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कवर कर रहे थे तब हमने बहुत डिटेल में इनको कवर किया है। ठीक है,
The secretary is in the overall charge of the department. He is the principal advisor to minister and responsible for carrying out the policy and decision made by the political chief and finally represent his department before the committees of the legislature. क्या होता है कि जो administrative head होता है, that is the secretary, वो minister का principal advisor होता है. साथ ही साथ जितने भी policies और जितने decision लिए गए हैं political chief के द्वारा, वो उनको कैरी आउट करने का काम करता है, उनके इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है, एज वेल एज अपने डिपार्टमेंट को, अपनी मिनिस्ट्री को लेजिस्लेचर के सामने रिप्रेजेंट करने का काम करता है. ठीक है. व्हेन द वर्क इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बिकम्स टू हैवी, सम पोस्ट ऑफ स्पेशल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी मे बी क्रिएटेड टू रिलीव द सेक्रेटरी ऑफ सम ऑफ द बर्डन ऑफ हिज वर्क. इस लाइन में क्या है कि मान लीजिए काम बहुत ज़्यादा हो गया, ओवरबर्डन हो गया, तो वो क्या करेंगे, वो कुछ एक्स्ट्रा पोस्ट को क्रिएट करेंगे ताकि सेक्रेटरी को कुछ काम से राहत मिल सके. दे कैन परफॉर्म सम ऑफ द फंक्शन ऑफ सेक्रेटरी एंड मे सबमिट फाइल्स डायरेक्टली टू द मिनिस्टर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डेलीगेटेड फंक्शन परफॉर्म बाई देम. मिनिस्टर ने या वो जो डेलीगेटेड फंक्शन काम कर रहे हैं, उनके पास जो डेलीगेशन के थ्रू काम उनको मिला है, वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर सकते हैं मिनिस्टर को या फिर वो अंडर सेक्रेटरी भी काम कर सकते हैं. द रियल ऑपरेटिंग लेवल बिलो द सेक्रेटरी इज द डिप्टी सेक्रेटरी. ठीक है. और कुछ स्टेट के अंदर आपको पोस्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी देखने को मिलेगी, लेकिन उनका काम भी सेम ही होता है. डिप्टी सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी आर प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ डेफिनेट विंग ऑफ द डिपार्टमेंट. एक जो डिपार्टमेंट होती है उसकी जो विंग होती है उसके अंडर उनको रखा जाता है. डिप्टी सेक्रेटरी इज ऑल्सो डेलीगेटेड सम पावर टू डिस्पोज ऑफ सर्टेन रूटीन केसेज एज एट हिज लेवल. उसको कुछ पावर दी जाती है ताकि वो अपने लेवल पे अपने डे टू डे काम को पूरा कर सके. अंडर सेक्रेटरी लोअर लेवल ऑफिसर्स होते हैं. They are placed in charge of a number of section each headed by a section officer. ठीक है. जो section officer section होता है, section officer का head section, sorry, section का head section officer होता है, और ऐसे काफ़ी सारे section के इंचार्ज जो होते हैं उनको अंडर सेक्रेटरी बोला जाता है. असिस्टेंट सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द वेरियस फंक्शनरी ऑफ द सेक्शन एंड टू इंश्योर टाइमली सबमिशन ऑफ फाइल्स टू द ऑफिसर. अब सेक्शन ऑफिसर को असिस्टेंट सेक्रेटरी भी बोला जाता है. वो क्या काम करता है, वो बेसिकली काम को डिस्ट्रीब्यूट करता है अमंग द वेरियस फंक्शनरी. ठीक है. और वो इंश्योर करता है कि जो ऑफिसर्स हैं वो अपनी फाइल को टाइम पे सबमिट कर दे. ही सुपरवाइजेज द असिस्टेंट और यूडीसी. यूडीसी मींस अपर डिवीजन क्लर्क वर्किंग ऑन इन हिज सेक्शन एंड मेक्स देम प्रेजेंट द केस सुटेबल डॉक्यूमेंटेड एंड रेफरेंस्ड. मतलब कि उनका काम जो है वो सही तरीके से हो और डॉक्यूमेंटेड हो और रेफरेंस्ड भी हो. ठीक है. ताकि उनके काम में कहीं कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ये देखने का काम होता है सेक्शन ऑफिसर का. वो पूरे काम को कोऑर्डिनेट करके चलता है. फंक्शन अगर आप देखें, अभी तक हमने देखा उसके ऑर्गेनाइजेशन को, फंक्शन देखते हैं. द सेक्रेटेरिएट इज़ अ पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉर्मली परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन. समझिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है, पॉलिटिकल एक बॉडी है जो सारे पॉलिटिशियंस हैं उनसे बनी हुई है. सेक्रेटेरिएट वो पॉलिटिशियंस भी हैं और जो गवर्नमेंट के पढ़े लिखे पर्सन है, यानी कि जो IAS ऑफिसर है या जो सेक्रेटरीज है वो भी इंक्लूडेड है. ठीक है. तो वो पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं. इसके अलावा असिस्टिंग द मिनिस्टर इन पॉलिसी मेकिंग. ठीक है. मॉडिफाई करने के काम आते हैं. पॉलिसी को अगर मॉडिफाई करना है तो वही बताएंगे. लेजिस्लेशन को फ्रेम करने के लिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में, बजटिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्ट्री, सुपरवाइजिंग एंड कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इन प्रोग्राम बाय द एग्जीक्यूटिव. ये सारा वही है, कोऑर्डिनेशन, सुपरविजन, असिस्ट करना. ठीक है. मिनिस्ट्री को असिस्ट करना अपनी पार्लियामेंट का काम, पार्लियामेंट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन द सेंस कि अपनी जो उनकी लेजिस्लेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, लेजिस्लेचर में जाकर उनको जवाब देना होता है उसके काम के लिए. एंड द सेक्रेटेरिएट ऑल्सो एक्ट एज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट. अदर देन दैट फाइनेंशियल मैटर्स और सर्विस मैटर्स में क्या है, फाइनेंशियल मैटर स्क्रूटनी एंड अप्रूवल ऑफ डिपार्टमेंटल बजट एस्टिमेट मेजर अप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स सरेंडर ऑफ फंड्स एंड सप्लीमेंट्री ग्रांट. बजट से रिलेटेड कितना एस्टिमेट हुआ है, अकाउंट्स के रिगार्डिंग फंड उनको कितना देना है, ग्रांट के रिगार्डिंग, ये सारा जो है वो पूरा ध्यान में रखती है. कौन, सेक्रेटेरिएट ध्यान में रखता है. अदर देन दैट ऑल प्रपोजल इन्वॉल्विंग न्यू आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर. कोई मिनिस्ट्री नया कुछ एक्सपेंडिचर करना चाहती है तो उसके रिगार्डिंग फाइनेंशियल सेक्शन नोट विद इन द कम्पिटेंस ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट. कुछ ऐसा है जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आता, या सेंक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंटिजेंसी फंड, एमरजेंसी फंड से अगर आप कुछ चाहते हैं एक्सपेंडिचर तो उसके रिगार्डिंग. राइट ऑफ केसेज बियॉन्ड द पावर ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड ऑडिट ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द ऑफिसर ऑफ हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट.
यानी कि ऐसे केसेस जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के अंडर नहीं आते हैं या कुछ ऐसे ऑडिट ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द ऑफिसर ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वो देखने का काम भी कौन करता है? सेक्रेटेरिएट करता है. सर्विस मैटर की अगर हम बात करें तो अप्रूवल ऑफ सर्विस रूल्स एंड अमेंडमेंट, ठीक है, सर्विस रूल्स कैसे होगा, हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे देखा था कि जो स्टेट सर्विस रूल होते हैं वो बनाने का काम भी किसका होता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का होता है. और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को असिस्ट कौन करती है? सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल्स करते हैं. तो ऑब्वियसली वही काम जो है ये करेंगे. पेपर रिलेटिंग टू सीनियर अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रांसफर ऑफ डिप्टी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट एंड अबो, प्लस केसेज ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अगेंस्ट देयर ऑफिसर. सीनियर अपॉइंटमेंट जितनी भी होती हैं उसके रिगार्डिंग पेपर्स, और अगर उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग चल रही है तो वो देखने का काम भी कौन करता है? सेक्रेटेरिएट करता है. इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर बिलोंगिंग टू द स्टेट सर्विस एंड इन्फ्लेक्शन ऑफ मेजर पनिशमेंट ऑन देम. जो अपॉइंटमेंट होती हैं, काफ़ी जो मेजर अपॉइंटमेंट होती हैं, वो देखने का काम भी किसका होता है? सेक्रेटेरिएट का होता है. अदर देन दैट, क्रिएशन ऑफ पोस्ट, देयर एक्सटेंशन एंड कॉन्टिन्यूएंस, रीएम्प्लॉयमेंट, रेजिग्नेशन, स्पेशल पे एंड अलाउंस एंड पोजीशन नॉट विद इन द पावर ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो ये सारा, मतलब जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसके अंडर नहीं आते, उसके अलावा जो पोस्ट को क्रिएट करना है, उनको कंटिन्यू करना है, रीएम्प्लॉय करना है, वो सारा मैटर भी स्टेट सेक्रेटेरिएट संभालता है. अब ऑब्वियसली इतनी एक बड़ी बॉडी है तो उसका क्रिटिसिज्म होना भी लाजमी है. द जनरल कंप्लेंट अगेंस्ट द सेक्रेटेरिएट इज दैट इट हैज बीन कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द पावर. कंसंट्रेशन हो गया अब सारी पावर का, राइट, कि पूरी की पूरी पावर जो है, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी हैं और वहाँ पर सीनियर ऑफिशियल्स भी हैं, तो पावर का एक जगह कंसंट्रेशन हो गया है. द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स जनरली कंप्लेन दैट इवन फॉर अ स्मॉल मैटर दे हैव टू अप्रोच द सेक्रेटरी फॉर गेटिंग सेंक्शन. जो डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव हेड होते हो, उनका मानना है कि उनको छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी सेक्रेटरी की परमिशन लेनी पड़ती है. द रीज़न फॉर दिस टेंडेंसी इज इनहेरेंट इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. द मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर ऑमिशन एंड कमीशन ऑफ द डिपार्टमेंट अंडर हिज चार्ज. मिनिस्टर जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी लेजिस्लेचर के लिए, एंड ही हैज़ टू केप्ट हिमसेल्फ इन्फॉर्म्ड ऑफ ऑल द डेवलपमेंट ऑफ हिज डिपार्टमेंट. और उसको जाकर के जवाब देना पड़ता है, ठीक है, उससे जवाब मांगे जाते हैं जो मिनिस्टर होता है उससे. तो ज़रूरी हो जाता है कि उसको कम्प्लीटली नॉलेज रहे कि उसके डिपार्टमेंट में आखिरकार हो क्या रहा है. इसीलिए जो सारी छोटे से छोटे काम का जो सेंक्शन है वो आपको जाकर के सेक्रेटरी से लेना होता है. This leads to the concentration of function in the secretariat. Certain human and psychological factor are also responsible for this monopolization of power. इसके अलावा कुछ human और psychological factor भी responsible है. But this type of concentration leads to inefficiency in the working of government. Power concentration क्या होता है? Finally, inefficient ही prove होता है. सेकेंड थिंग, सेक्रेटेरिएट बिंग फार अवे फ्रॉम द फील्ड आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम इन द फील्ड. ये आप यूज़ कर सकते हैं कि उनको फील्ड की नॉलेज नहीं होती और आपको पॉलिसी जो है वो फील्ड के हिसाब से डिज़ाइन करनी पड़ती हैं. वो फील्ड लेवल से बहुत दूर होती है इसलिए उनको फील्ड की नॉलेज नहीं होती. देयरफॉर देयर एग्जामिनेशन ऑफ प्रपोजल पुट फोर्थ बाई फील्ड स्टाफ इज नॉट ओनली सुपरफिशियल बट ऑल्सो लीड्स टू मैनी क्यूरीज. तो क्या होता है, उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई, फील्ड स्टाफ वो जब पॉलिसी इंप्लीमेंट करेगा तो उस पर बहुत सारी क्वेरीज आएंगी ही आएंगी. दिस स्लो एंड टार्डी प्रोसेसिंग ऑफ केसेस इम्पेयर्स द एफिशिएंसी ऑफ फील्ड एजेंसी. फिर क्या होता है, उनको जो फील्ड एजेंसी काम कर रही है, यानी कि जो लोअर लेवल ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रही है, उनको हर चीज़ अपनी सेक्रेटरी से पूछनी पड़ रही है. तो क्या हो जाएगा, जो केसेस का जो केस प्रोसेस चल रही है वो काफ़ी डिले हो जाएगी. अदर देन दैट, द पोस्टिंग ऑफ सेक्रेटेरिएट दीज डे आर इम्पॉर्टेंट एंड अट्रैक्टिव एंड द कंडीशन इन द फील्ड इज डिफिकल्ट. वहाँ पर हर कोई सेक्रेटेरिएट में बैठा रहना चाहता है, फील्ड की कंडीशन काफ़ी डिफिकल्ट हो गई है. द फील्ड ऑफिसर्स हैव टू फेस पॉलिटिकल प्रेशर एंड हैव ग्रेटर चांस ऑफ कमिंग इन टू कॉन्फ्लिक्ट विद द पॉलिटिकल मैटर्स. सेक्रेटेरिएट ऐसा कुछ नहीं होता जी, लेकिन जो फील्ड ऑफिसर पे फील्ड लेवल पर जो काम करते हैं, ज़्यादा चांसेज होते हैं कि वो पॉलिटिकल प्रेशर में आ जाएँ. While the secretariat officer have a very good existence, they were close to the center of power and are able to develop better equation with them. वो politicians के साथ अच्छी equation develop करने में कामयाब होते हैं. Moreover, the secretariat post carry additional remuneration, which makes them more attractive to the officer. Secretariat post अच्छी होती है
ज़्यादा उस मतलब रिन्यूमरेशन मिलते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बेटर एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और अदर एम्यूनिटीज़ भी अच्छी होती हैं. देयरफॉर मोस्ट ऑफ द ऑफिसर विश टू रिमेन इन द सेक्रेटेरिएट. बाय स्टेइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द सेक्रेटेरिएट दीज ऑफिसर लूज टच विद द फील्ड एंड डू नॉट रियलाइज द फील्ड प्रॉब्लम. ऑब्वियसली फील्ड में क्या हो रहा है ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फील्ड के लिए पॉलिसीज कैसे डिज़ाइन कर सकते हो. इट इज़ देयरफॉर एसेंशियल टू हैव अ बैलेंस बिटवीन द फील्ड लेवल एंड द सेक्रेटेरिएट लेवल एक्सपीरियंस ऑफ द ऑफिसर. ज़रूरी हो जाता है कि आप फील्ड लेवल पे और सेक्रेटेरिएट लेवल पे जो ऑफिसर हैं उनके बीच में आप एक बैलेंस बना करके रखो. ठीक है. रोल ऑफ स्टेट डायरेक्टरेट. स्टेट डायरेक्टरेट क्या होते हैं? डायरेक्टरेट्स आर सीन एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. एक्चुअल में जो पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम है वो डायरेक्टरेट के द्वारा किया जाता है. इन द सेक्रेटेरिएट पॉलिसी फॉर्मुलेशन फंक्शन आर जनरली हेडेड बाय द जर्नलिस्ट. सेक्रेटेरिएट में क्या होता है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं. मैंने आपको बताया एक पॉलिटिकल हेड होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है. एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जनरली एक आईएएस ऑफिसर होता है, तो वो क्या है, एक जर्नलिस्ट है. लेकिन जो डायरेक्टरेट में होता है जिनको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम दिया जाता है वो बेसिकली स्पेशलिस्ट होते हैं. डायरेक्टरेट जो एक्चुअल में जाकर के पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे वो स्पेशलिस्ट होते हैं, और जिन्होंने पॉलिसी बनाई वो जर्नलिस्ट होते हैं. डायरेक्टरेट आर अरेंज्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर एंड टू हैव सब्जेक्ट वाइज फोकस डायरेक्टरेट आर इस्टेब्लिश्ड. जब डायरेक्टरेट को अरेंज किया गया तो डिवीजन ऑफ लेबर वाले प्रिंसिपल को ध्यान में रख करके सब्जेक्ट वाइज उनको इस्टेब्लिश किया गया है. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स और प्रोग्राम एट द लेवल ऑफ डायरेक्टरेट, हु डायरेक्ट द स्कीम ऑफ इंप्लीमेंटेशन एज वेल एज असाइन द फील्ड इस्टेब्लिशमेंट देयर रिस्पेक्टिव रोल. यानी कि डिटेल्ड इंप्लीमेंटेशन के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं. Resource management of effective implementation of plan is carried out at this level. Directorate ensure the will of secretariat find its physical execution. और वो help करते हैं secretariat की in the assessment of implementation of various plans and program. और they act as a vital link between the field establishment and the secretariat. जो field agencies होती हैं उनके बीच में और secretariat के बीच में एक link का काम करते हैं. Secretariat act as the head and the director act as the head and hand both at the implementation level. ठीक है. आई होप आपको सेक्रेटेरिएट और डायरेक्टरेट के बीच में क्या है, मतलब कैसा लिंक है और क्या डिफरेंस है वो क्लियर हो गया हो. तो हम अपने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट को यहीं पे ख़त्म करते हैं. कोई डाउट है, कोई टॉपिक रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट टॉपिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे बेस्ड होगा जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन. थैंक यू सो मच.